आज मैं आप लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो आपने ऐसा रेसिपी कभी देखा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो तभी आपको पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है कुछ परवल। तो इसको अच्छी तरह से पहले हम धो लेंगे, उसके बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है तो इसको हम इस तरह से छील लेंगे। बस इसी तरह से हमें इसका ऊपर का हिस्से को छील लेना है और उसके बाद इसको कट कर लेंगे दोनों साइड से। तो इसी तरह से चलिए सब परवल को हम इस तरह से कट करके रख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सब परवल को इस तरह से कट करके रख लिया है। तो चलिए यहाँ एक प्लेट ले लेते हैं और एक ग्रेटर ले लेते हैं। तो इस ग्रेटर में हम इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए इसी तरह आप आसानी से भी कद्दूकस ही हो जाएगा। तो सबको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए, सब परवल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अगर छोटे छोटे टुकड़े भी रह जाए तो कोई बात नहीं। तो चलिए ये कद्दूकस हो चुका है। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसमें रह जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ मैंने लिया है ये वाला अदरक और यहाँ 7-8 लहसुन की कलियाँ। तो इसको भी हम इसमें कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने ये सब का कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से निकालने के बाद इसे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने लिया है कुछ हरे मिर्च कटा हुआ और ये देखिए आधा कप करीब, आधा बाउल मैंने लिया है ये बेसन। और यहाँ मैंने लिया है एक प्याज जो मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा था, उसे भी डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ कुछ हरे मिर्च, इसे भी डाल देंगे। और इसे रख लेने के बाद यहाँ डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक लिया है और यहाँ डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा के हिसाब से लीजिए। और उसके बाद यहाँ डाल देंगे कुछ गरम मसाले। और ये सब डालने के बाद ये सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अगर पानी लगेगा तो आप दीजिएगा। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है। और उसके बाद चलिए इसको हम पहले इस तरह से शेप दे देंगे, जैसे कि कटलेट की तरह। तो इस तरह से लेके मैंने यहाँ लिया है चीज़। तो चीज़ के टुकड़े को इस तरह से इसमें बीचों बीच रख लेते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर और थोड़ा सा बैटर दे के देखिए इस तरह से हम दबा लेंगे और कटलेट की तरह इसको शेप दे देंगे। तो इसी तरह सब कटलेट को बना लेते हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, बस आप इसी तरह से भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए ये सब बन के रेडी। तो चलिए अभी हम इसको फ्राई करेंगे। बस ज़्यादा भी तेल इसमें यूज नहीं होगा, बस कम तेल में ही ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ कुछ तेल दे दिया है, तो इसे ये गर्म हो चुका है, तो इसी में हम इसे डाल देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपके पास पहले पहुँच जाए। और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ 3 कटलेट डाल दिया है। तो इसी तरह से जितना भी आप कटलेट चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये बन जाएगा। तो ये देखिए एक साइड हो चुका है, तो मैं ये दूसरे साइड पलट देती हूँ। तो इसी तरह से चलिए कटलेट बना लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए कितने अच्छे कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो इसी तरह से हम इसे अभी निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ थोड़ी देर के लिए और भी इसको आप गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है ये परवल कटलेट, बहुत ही टेस्टी होगा। तो आप इसे चीज़ कटलेट भी बोल सकते हैं। तो इसको बस चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्ट लगेगा, नया रेसिपी, नए मज़ेदार रेसिपी, चटपटा भी होगा।
तो चलिए इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।